इवनिंग है जैन बच्चों बच्चों, आज मैं आपके लिए सीटी लखनऊ जो है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा राष्ट्रीय आयाम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना के लिए जो मॉडल पेपर नंबर 3 है वो आपको सॉल्व करके बताने जा रहा हूँ। स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब कुछ टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर इसकी PDF दे दीजिए, ठीक है। तो इसकी पूरी PDF जो 180 प्रश्न की PDF है इसकी, ये मैं पूरा मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। आप कहीं से भी जाकर इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज मैं ऐसे आपको विज्ञान के प्रश्नों को बताऊंगा, साइंस के बताऊंगा, तो आप क्या करेंगे बारी बारी से सभी के मैथ के प्रश्न जो 90 प्रश्न उसको हल कर लीजिए, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैथ के भी कर लीजिए। फिर जो जो प्रश्न नहीं आएंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर आप लिखिएगा कि कैसा लगा, क्या आपको और मॉडल पेपर चाहिए ऐसे, ये आप जरूर लिखिए, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे मॉडल पेपर हैं, तो मैं धीरे धीरे सॉल्व करते जाऊंगा, उसको डालते भी जाऊंगा बच्चों, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर हैं, क्योंकि इसमें से कुछ प्रश्न आपके जो परीक्षा होने जा रही है 6 नवंबर को, उसमें ये आ सकते हैं बच्चों, ठीक है। और किसी भी राज्य के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिएगा कि ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य का है तो उससे हमें ना देखें, चाहे बिहार के बच्चे हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के हों, हरियाणा, राजस्थान, सभी जगह के बच्चे ये देखें, काफी इंपॉर्टेंट है उनके लिए, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैं विज्ञान के प्रश्नों से स्टार्ट करने जा रहा हूं। अब देखिए विज्ञान के प्रश्न आपके सामने हैं बच्चों, ठीक है। पहला प्रश्न है, द्रव्यमान का MKS पद्धति में मानक मात्रक है ग्राम, क्विंटल, किलोग्राम या टन? तो इसका उत्तर है बच्चों किलोग्राम, ठीक है। अब देखिए इस समय कौन सी पद्धति इस्तेमाल हो रही है, ये भी याद रखिएगा, इस समय SI पद्धति इस्तेमाल हो रही है, MKS अब इस्तेमाल नहीं होता है बच्चों, ठीक है, क्योंकि SI यूनिट जो है पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन, घड़ी के पेंडुलम की गति उदाहरण है, तो ये उदाहरण है बच्चों दोलन गति का, ठीक है। नंबर 3, ऊर्जा का नवीकरणीय जो स्रोत है, इसका पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो नवीकरणीय मतलब उसको वापस हम रिन्यू करके वापस पाया जा सकता है, वापस और लौटा जा सकता है। लकड़ी जला दी खत्म, पेट्रोल इस्तेमाल कर लिए खत्म, डीजल इस्तेमाल के लिए खत्म, लेकिन सौर ऊर्जा हमारा वापस पाते हैं, तो इसका उत्तर क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, जब पृथ्वी की उपछाया से होकर चंद्रमा गुजरता है तब होता है, ठीक है, तब क्या होता है, खंड चंद्र ग्रहण होता है, और जब पूरी छाया से होकर गुजरता है तो क्या होगा, पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा बच्चों उस समय, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, उपछाया से जब होकर गुजरे तो होगा खंड चंद्र ग्रहण, मतलब चंद्रमा का थोड़े से खंड का, थोड़े से खंड का ग्रहण लगेगा, बाकी हमें क्या दिखेगा, साफ साफ दिखेगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ, द्रव में ऊष्मा संचरण होता है, तो ये किस विधि से होता है, चालन, विकिरण, संवहन या इनमें से कोई नहीं, तो ये संवहन द्वारा ये होता है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है, तो ये बच्चों देखिए ये सी इसका उत्तर है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दे रहा हूँ, कुछ प्रश्न कट रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अवतल दर्पण से आभासी सीधा व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति होगी, तो वस्तु की कैसी स्थिति होगी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वह वस्तु होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। अभी मैं एक अलग से आप अगर आपको जरूरत हो कि मैं ये इसका आपके दर्पण संबंधी जो प्रश्न है, ठीक है, दर्पण संबंधी प्रश्न है या लेंस संबंधी प्रश्न है, तो इसको समझाऊं, इसको बताऊं, तो मैं अलग से बता दूंगा बच्चों कि कहाँ पे क्या स्थिति होती है, कैसा प्रतिबिंब बने, क्योंकि इससे को प्रश्न आने ही आने हैं, कंफर्म है बच्चों। अगर चाहिए होगा कि एक अलग से मैं लाइट का चैप्टर आपको पढ़ा दूं तो लिखिएगा कमेंट में। निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है, मतलब उसके ऊपर चार्ज नहीं डाला जा सकता है बच्चों, ठीक है। देखिए कांच को रगड़ेंगे चार्ज आ जाएगा, गुब्बारे को करेंगे तो इसमें आवेश आ जाएगा, इवोनाइट को रगड़ेंगे आ जाएगा, लेकिन लकड़ी को रगड़ने पर आवेशित वो नहीं होगा बच्चों, तो इसका उत्तर क्या है, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, भाई कहाँ बनता है, ये भी देखिए लाइट के ही चैप्टर से लिया गया है, तो ये क्या पुतली पे बनता है, कार्निया पे बनता है, रेटिना पे बनता है कि आइरिस पे बनता है, तो ये बच्चों बनता है रेटिना पे, ठीक है। अचुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय नॉन मैग्नेटिक बोल रहा है बच्चों, कि मैग्नेट जो ना हो, ठीक है।
लोहा को खींच, ये निकल को खींच लेगा, कोबाल्ट को और लोहे को खींच लेगा चुंबक। इसमें क्या है, सोने को चुंबक नहीं खींच पाता है, तो दसवें का उत्तर क्या है, बी। और चुंबकीय पदार्थ क्या है, सोना। नंबर 11, दाब का मात्रक है, ठीक है, दाब का मात्रक आपका क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए दाब क्या है, प्रेशर है, प्रेशर क्या क्या होता है आपका, फोर्स बटा क्षेत्रफल या एरिया होता है। फोर्स का आपको पता है न्यूटन होता है, और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए इसका आपकी यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों, ठीक है। नंबर 12, एक कमरे के भवन में स्थित कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं, तो कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहते हैं, LAN, LAN का फुल फॉर्म है बच्चों लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर है बिजली के प्लग एवं स्विच बनाने में प्रयोग होने वाला प्लास्टिक, ठीक है, तो इसमें भाई कौन सा प्लास्टिक यूज होता है, मैंने कई वीडियोस में समझाया हुआ है, आपको बताया हुआ है, इसमें बेकेलाइट का होता है बच्चों, ठीक है। नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सूचर इंडिकेटर नहीं है, मतलब इस पर हमें टेस्ट करना होता है कि वो एक एसिड है या बेस है, ठीक है, एक अम्ल है कि क्षार है, तो इसके लिए देखिए कौन सा इंडिकेटर नहीं है, तो इसमें बच्चों आपका है 14 का डी, मिथाइल ऑरेंज यूज होता है, लिथमस पेपर यूज होता है, और फेनोथेलिन भी यूज होता है, एंटा एसिड ये हमारे पेट में गैस को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गैस जो संबंधी पेट में समस्याएं होती हैं उसको एंटा एसिड ही ठीक करता है। नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है, ध्यान दीजिएगा नहीं है, हीलियम है, क्रिप्टन है, आर्गन है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस नहीं है बच्चों, अक्रिय मतलब कि इनर्ट गैस, ठीक है, अक्रिय मतलब इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। अब देखिए 16, बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है, चांदी, टंगस्टन, निकल या भूकंप, ठीक है, तो ये होता है बच्चों टंगस्टन का बना हुआ, ठीक है। अब तो देखिए टंगस्टन आता नहीं है, जो पुराने पीले वाले बल्ब होते थे उसमें टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए नंबर 17 है, अल्मोनियम को क्षरण से बचाने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, तो इसमें बच्चों देखिए कई है, अल्मोनियम फॉस्फाइड, क्रोमियम, टिन, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अल्मोनियम पे ना ऑक्सीजन का लेप लगाया जाता है, ठीक है, विधि से, तो अल्मोनियम ऑक्साइड की लेप इस पे चढ़ाई जाती है ताकि वो अल्मोनियम खराब ना हो, काफ़ी लंबे समय तक चले, ठीक है। अभी जो बर्तन आ रहे हैं स्पेशली आप देख रहे होंगे इस समय अल्मोनियम के ही आ रहे हैं, काले रंग में रंग के आ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, मतलब कि वोल्टेज का, ठीक है, वोल्टेज है आपका, विद्युत वाहक बल का मात्रक है, ये है आपका बच्चों, बताइए जूल है, कूलम है, वोल्ट है या एम्पियर है, तो आपका इसका 18 का आंसर आपका सी, ये सॉरी बच्चों ये पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, विद्युत वाहक बल को पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखिए 19 है, परिवर्ती संयोगता प्रदर्शित करते हैं, मतलब उनकी वैलेंसी जो बदलती हो बार बार वो प्रदर्शित करते हैं आपके, इसमें देखिए दोनों में आयरन दे दिया है, ठीक है, उत्तर इसका आयरन है, ऐसे इसमें सोडियम का नहीं होता है, बेरियम का भी नहीं होता है, ये प्रदर्शित करता है +2 और +3 की वैलेंसी या संयोगता प्रदर्शित करता है बच्चों, इसलिए इसका उत्तर दोनों सी और डी दोनों होगा। नंबर 20 है, हीरा क्या है, हीरा समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है, यौगिक है कि तत्व है, तो देखिए मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ है, हीरा जो है केवल कार्बन का बना होता है, शुद्ध रूप है कार्बन का, अगर सवाल आ जाए शुद्धतम रूप कार्बन का इसमें से क्या है तो आप हीरा को सिलेक्ट कीजिएगा बच्चों, तो ये क्या है, एक तत्व है, ठीक है। अब आई 21, फोटो फिल्म के निर्माण में प्रयोग होता है क्या, सेलुलोज एसिटेट, सेलुलोज फॉस्फेट, सेलुलोज अम्ल या एसिडिक एसिड, तो ये सेलुलोज एसिटेट बच्चों यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तरल सोना किसे कहते हैं, भाई तरल सोना पानी वाला सोना किसे कहेंगे, दूध को, पानी को, रक्त को कि पेट्रोलियम को, आपको पता है कि पेट्रोल कितनी महंगी है, ठीक है, तो तरल सोना हमारा क्या है, पेट्रोल है बच्चों, ठीक है। अब आइए 23, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, ये देखिए जो मैंने विज्ञान के प्रश्न आपको बताए थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें अभी चार वीडियो बनाए हैं मैंने, उसमें ये चीज़ बताई थी, देखिए उससे डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, ऐसे ही किसी भी परीक्षा में आ सकता है आपके राज्य में, ठीक है। तो इसके है स्टेपेज, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फेमर, जो हमारी जांघ की हड्डी है वो सबसे बड़ी है बच्चों, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24, ऑक्सिन है, तो ऑक्सिन क्या है,
ऑक्सिन आपका बच्चों एक पादप हार्मोन है, याद रखिएगा, पेड़ का, प्लांट का एक हार्मोन है जो कि इसकी वृद्धि और इसमें एक कारक है, ठीक है। हरित लवक रहित पौधों का समूह क्या कहलाता है? ये इसमें बच्चों देखिए ऐसे, मतलब जिसमें क्लोरोफिल ना हो इसको ऐसे समझ के चलिए, तो इसका उत्तर होगा बच्चों कवक। फंगस में कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। अब आइए 26वां क्वेश्चन, वे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल रचना समान होती है किंतु कार्य में अंतर होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समजात अंग कहते हैं, समजात अंग, ठीक है। और ऑप्शन हमने देखा नहीं है इसका, इसलिए 27। ऑक्सीकरण के उपरांत उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में किस अणु के रूप में संचित होता है? तो ये बच्चों देखिए एडीपी और एटीपी, ध्यान रखिएगा ये एटीपी फॉर्म में है, एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये वाला एडीपी है एडनोसिन डाईफॉस्फेट, लेकिन यही चीज इसमें बदल जाता है तो फाइनली एटीपी के फॉर्म में वो सुरक्षित रहता है। 28 है, वर्षा ऋतु में सुबह के समय कुछ शाकीय पौधों पर किनारे की ओर जल की बूंदें दिखाई देती हैं, इसका कारण है? इसका कारण बच्चों जो है बिंदु स्राव है, ठीक है। 28 का आपका आंसर है सी। 29, सबसे छोटा पुष्प है तो जो सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, पहले ये बताइए मुझे। सबसे बड़ा पुष्प बच्चों रेफ्लेशिया है, सबसे छोटा पुष्प जो है वो उल्फिया है, सबसे छोटा फूल उल्फिया है, ठीक है। नंबर 30 है, वसा में घुलनशील विटामिन है, तो जो वसा में घुलनशील विटामिन है वो विटामिन डी है। इस कुल कौन कौन से, ए डी ई और के, ये सब वसा में है। और पानी में कौन कौन से घुलते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये भी देखिए वही जो मैंने फैक्ट्स बताए थे, वीडियो बनाया मैंने विज्ञान वाला, उसी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये बच्चों। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो बीसीजी का टीका बच्चों याद रखिएगा ये मेन स्पेशली टीबी के लिए है, ये आप जन्म के समय लगाया जाता है बीसीजी का टीका। 32, रक्त समूह की खोज की थी, रक्त समूह की खोज बच्चों की थी ये लैंडस्टीनर ने, ठीक है, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी। एक बच्चों याद रखिएगा ओ ब्लड ग्रुप, एक जगह बोलने में मुझसे चूक हो गई थी, ओ ब्लड ग्रुप किसी को भी खून दे सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सर्वदाता है, ये क्या है, सर्वदाता है, ठीक है। और जो सबसे खून ले सकते हैं वो हैं ए बी, इसको कहेंगे सर्वग्राही, सर्वग्राही, अभी पेन नहीं चल रहा है आप लिख लीजिएगा, ठीक है, सर्वग्राही। अब नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का मादा जननांग है, ठीक है। मादा जननांग बच्चों ये देखिए जायंग है, इसका दूसरा नाम स्त्री केसर भी है, तो इसको नोट कर लीजिएगा ना कि जायंग या स्त्री केसर दोनों शब्द सेम है। लौही नस्ल की भेड़े पाए जाती हैं, तो ये भेड़े बच्चों पाए जाती हैं राजस्थान और पंजाब में, ठीक है। अब देखिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया 35, सीपीयू का पूरा नाम। अब ये बच्चों देखिए आप जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU, ठीक है बच्चों। और ये वीडियो समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।